अरे सुना है मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे तुम लोगों के खिलाफ, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ। जवान संभाल के बात कर, पहले बहुत बकवास कर चुका है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार, मोहल्ले वाले कह रहे हैं। दफा कर यार मोहल्ले वालों का, लोगों का तो काम है बातें करना। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तेरी बहन को अच्छी तरह जानता हूँ। चल छोड़, खाला ने तुझे बताया होगा कि मेरी अम्मा आई थी तुम लोगों के पास। हाँ तो कुछ नहीं यार, देख मैं छोटी मोटी बातों को दिल पे नहीं लेता। तुम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यार ये जो मोहल्ले में हो रहा है ना आजकल, ये ठीक नहीं है। देख तेरे मेरे गिले शिकवे एक तरफ, लेकिन मैं अपने दोस्त की बहन के बारे में इतनी खलीज बातें सुन नहीं सकता यार, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। सब जानता हूँ इसके पीछे कौन है। और सीधे मजे की बात ये है कि सच छुपता नहीं, चाहे को कितनी गेमें खेल रहा हो। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं जाएगा तू। देख इसका एक ही हल है, मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ ले, इसी में फायदा है। मैं सब कुछ भूल कर दोबारा अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजने के लिए तैयार। मैं इज्जत दूंगा तुम लोगों को और तेरी बहन को, तो देखना कैसे ये मोहल्ले वालों के मुंह बंद होते हैं। आराम से रहना यहाँ पर, इसी में तेरा फायदा है। ए, ए, लड़के इधर आओ। क्या? जी मलिक सर। यहाँ और टांगे दबाओ मेरी। राजू जी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया या तुम सुनना नहीं चाहते? मैंने कहा अंदर आओ और आकर मेरी टांगे दबाओ। चलो या काम करते में मौत पड़ रही है तुम्हें। जा बाहर। खामखा दिलावर ने सर